अरे यार राघव, किसी दिन तुम मरवाएगा। इस तरह हमेशा देर तक अपने आवारा दोस्तों के साथ गप्पे मारता है और हमेशा शाम तक बाहर घूमता है और मुझे भी जबरदस्ती अपने साथ घसीट लेता है। अरे डरपोक इंसान, इसमें तू इतना घबराता क्यों है? तुझे तो अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, कम से कम मेरी तो कर ले। इस तरह अंधेरी शाम को इस भयानक जंगल से गुजरना मालूम है कितना खतरनाक हो सकता है। अच्छा तो बता कितना खतरनाक होगा? अभी किसी हॉरर फिल्म की तरह हमें पीछे से पायल खनकने की आवाज सुनाई देगी, पेड़ के पीछे से छिपकर कोई हम पर नजर रख रही होगी और तभी हमें कोई मधुर संगीत की धुन सुनाई देगी। राघव ने अभी इतना बोला ही था कि तभी उन दोनों के ठीक अपने पीछे किसी औरत के गाना गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। रात होने वाली है, कहर ढाने वाली है, मौत आने वाली है, मौत आने वाली है। रात होने वाली है। इस गाने को सुनकर मोहित और राघव दोनों को मानो सांप सूंघ गया हो। दोनों के कदम अपनी जगह से आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। तभी मोहित कांपते हुए आवाज में राघव को बोलता है, राघव मैंने तुझे मना किया था ना, इस तरह सूरज ढलने के बाद इस जंगल से गुजरना ठीक नहीं है, देख लिया ना अंजाम। अब इसमें भी ये भूत वाली बात छेड़ने की क्या जरूरत थी? क्या तू वक्त और हालात नहीं समझ सकता है? अरे माफ कर दे यार, मुझे नहीं पता था कि इस जंगल में कोई चुड़ैल भी हो सकती है। अब क्या करें? मुझे इस चुड़ैल के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन गांव वाले बताते हैं कि ये गाना गाने वाली चुड़ैल है जो कंवारे लड़कों को देखकर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मायावी संगीत का उपयोग करती है, और जो कोई भी इस माया में फंस जाता है ये चुड़ैल उसे मार देती है, इसलिए। तभी पीछे से उस चुड़ैल का संगीत बंद हो जाता है और वो एक डरावनी आवाज में बोलती है, क्या तुम लोग आपस में खुसुर फुसुर कर रहे हो? चुपचाप उल्टे कदम मेरी तरफ आओ या अपने हाथ से जिंदगी गवाओ। यार बहुत डर लग रहा है, क्या करें? मुझे तो अब एक ही रास्ता नजर आ रहा है। वो क्या? शरीर की पूरी ताकत लगाकर बस भागो यहाँ से। मोहित इससे पहले कि राघव को रोकता, राघव वहां से भागने लगा था। अरे रुक राघव, तू अपनी मौत को बुलावा दे रहा है, ऐसा मत कर मेरे भाई। तभी मोहित को यह एहसास हुआ कि वो गाना गाने वाली चुड़ैल का संगीत पूरी तरह बंद हो चुका है और ऐसा लगता है कि वो अब उसके पीछे से हट चुकी है। मोहित को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन थोड़ी हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़ता है तो उसे वो चुड़ैल कहीं नहीं दिखती। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने उस चुड़ैल को मेरे पीछे से हटा दिया। लेकिन एक मिनट, वो चुड़ैल आखिर अचानक गई कहाँ? मुझे पूरा यकीन है वो राघव के पीछे गई होगी। हे भगवान, अब मैं राघव की मदद कैसे करूं? मोहित को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि अब धीरे धीरे अंधेरा अपना कहर ढा रहा था और रात अपना डरावना रूप लेती जा रही थी। तभी मोहित के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना जल्दी से गांव वालों को बुला लिया जाए और फिर राघव को ढूंढने निकला जाए। मोहित पहले तो जंगल से बाहर की तरफ भागा,
खुशकिस्मती से बीच में उसका सामना उस चुड़ैल से नहीं हुआ। गांव पहुंचकर उसने फौरन कुछ गांव वालों को अपनी आप बीती और राघव की स्थिति के बारे में बताया। गांव वाले भी मोहित की कहानी सुनकर दंग रह गए, लेकिन उन्होंने उस पर यकीन किया क्योंकि पहले भी ऐसा कुछ गांव वालों के साथ हो चुका था। जब जंगल से गुजरने वाले लोगों को उस चुड़ैल का संगीत सुनाई देता था और जो उस संगीत पर टिप्पणी कर देता या भागने की कोशिश करता, वो उस चुड़ैल की माया में कुछ इस तरह फंसता कि कभी दोबारा लौटकर नहीं आ पाता। मोहित कुछ गांव वालों को लिए जंगल के बीचों बीच पहुंचता है। सभी अपने हाथों में मशाल जलाए राघव को पुकार रहे थे, तभी अचानक से वो संगीत दोबारा बजने लगता है। इसका मतलब वो गाना गाने वाली चुड़ैल यहीं कहीं आसपास ही है। गांव वालों, कहां गए तुम लोग? अगर तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो याद रखना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे पिताजी जमींदार हैं, तुम्हें मालूम है ना, मैं तुम लोगों को गांव से निकलवा दूंगा। तभी उन गांव वालों में से एक शख्स अचानक से कहीं से मोहित के एकदम करीब आ जाता है और उसे घूरते हुए कहता है, अरे बेटवा, तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो। ये अंगूठी बहुत चमक रही है, इसे निकाल दो, कहीं अंधेरे में खो गई तो। नहीं, मैं ये अंगूठी नहीं निकालूंगा, ये मेरे दादाजी ने मुझे दी थी और हमेशा पहने रखने को कहा था। तभी उस गांव वाले का चेहरा एकदम से बदलने लगता है। वो शख्स उस चुड़ैल के शरीर में बदल जाती है और मोहित को एक टक से घूरने लगती है। वो मोहित की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू करती है। बाप रे, ये तो वही गाना गाने वाली चुड़ैल है। लगता है इसने गांव वालों को भी मार दिया है और अब मुझे मारने की फिराक में है। मुझे जल्दी जंगल से बाहर भागना होगा। इतना बोलते हुए मोहित अपनी पूरी ताकत लगाकर जंगल से बाहर की तरफ भागना शुरू कर देता है। उसे अपने पीछे वो चुड़ैल भी भागते हुए साफ साफ मालूम पड़ रही थी और साथ में वो गाना गा रही थी, जिससे मोहित भ्रमित होकर उसके वश में हो जाए। मोहित पर इससे पहले उसके गाने का असर होना शुरू होता, मोहित जंगल पार करके अपने घर पहुंच जाता है, जहां उसके माता पिता उसकी राह देखते हुए परेशान बैठे थे। अरे बेटा, इतनी रात को कहां चला गया था? तुझे पता है ना, उस जंगल में वो कलमू ही चुड़ैल रहती है, जो तुम्हारे उम्र के लोगों को ही चुनती है। वो तो शुक्र है तूने तेरे दादाजी की दी हुई चमत्कारी अंगूठी पहनी है, वो नहीं उतारी जिसने तुझे सही सलामत बचाए रखा, वरना ना जाने आज कितना भयानक हादसा हो जाता था बेटा। शुक्र है भगवान का। अरे ओ भाग्यवान, तुम भी ना, अब तो बच्चा घर आ गया है, अब शांत हो जाओ, बाकी बातें कल कर लेना, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। मोहित बिस्तर पर पड़े पड़े लगातार अपने दोस्त राघव और उन गांव वालों के बारे में सोचता रहा। उसकी आत्मा तक में उस गाना गाने वाली चुड़ैल का खौफ समा चुका था। उसे नींद आने में दिक्कत हो रही थी, इसी वजह से वो बिस्तर से उठा। उसने अपनी अंगूठी भी उतार दी क्योंकि उसकी उंगली में हल्की जलन हो रही थी। वैसे भी अब वो अपने घर आ चुका था तो उसे कोई खतरा भी नहीं था। इसके बाद बहुत ही उदास चेहरे के साथ मोहित अपने बेड पर लेट गया। इस बार बहुत जल्द उसे नींद भी आ गई। वो अपनी गहरी नींद में था, तभी उसे अपने कमरे में फिर से उस चुड़ैल का संगीत सुनाई देता है। रात होने वाली है। मोहित अपने बिस्तर पर एकदम अजीब तरह से छटपटाने लगता है और इसके साथ
ये सीन यही एंड हो जाता है। अब सुबह हो चुकी थी। मोहित अपनी नींद से जागता है। उसे अपने ही घर में अपने माता पिता के छाती पीट पीट कर रोने की चीखें सुनाई देती है। मोहित इससे बहुत चौंक जाता है। मोहित तभी टेबल की तरफ अपनी अंगूठी लेने के लिए देखता है, लेकिन उसे अपनी अंगूठी वहां नहीं मिलती, जबकि उसे अच्छे से याद है पिछली रात सोने से पहले उसने इसी टेबल पर अपनी अंगूठी निकाल कर रख दी थी। खैर, उसके लिए अंगूठी ढूंढने से ज्यादा जरूरी था बाहर का माहौल जानना, क्योंकि उसकी बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। वो अपने कमरे से बाहर निकल कर आता है तो देखता है उसके माता पिता एक लाश के पास सिर रख कर बहुत रो रहे हैं। ये देखकर मोहित समझ जाता है कि जरूर ये उसके दोस्त राघव की लाश ही होगी, जिसके लिए उसके माता पिता शोक मना रहे हैं। मोहित अपने माता पिता को जाकर समझाता है, लेकिन ये क्या, उसके माता पिता तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। तभी उस लाश पर से कपड़ा हटता है और फिर जो मोहित देखता है वो देखकर उसे एक करारा झटका लगता है। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की थी, यानी कि मोहित अब एक भटकती आत्मा था। उसकी मौत तो कल रात उसी वक्त हो गई थी जब अंगूठी निकालकर वो सोने गया और उसे गाना गाने वाली चुड़ैल का एहसास हुआ, और उसी वक्त उस चुड़ैल ने मोहित के गले पर अपने दांत गड़ाकर उसे मार दिया। मोहित को अंगूठी नहीं निकालनी चाहिए थी, क्योंकि वो चुड़ैल भले जंगल में उसे ना मार पाई, लेकिन उसका पीछा करते करते वो उसके घर तक, उसके कमरे तक पहुंच गई थी। और मोहित ने जैसे ही एक गलती की, मोहित के जिंदगी का चैप्टर यहीं क्लोज हो गया। आज महेश और श्रुति की शादी हुई थी। दोनों का ये लव मैरिज था और दोनों अपनी शादी से बहुत खुश थे। महेश का ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जिस वजह से गाड़ी कई बार डिसबैलेंस भी हो रही थी। तभी महेश उसे टोकते हुए कहता है, अरे ओ ड्राइवर भैया, शादी की पहली ही रात है, मरवा दोगे क्या? थोड़ा धीमे चलाओ। अरे साहब, ये जो शॉर्टकट आपने बताया है वो एक भूतिया मंदिर से होकर गुजरता है, और कहते हैं उस मंदिर के आसपास डायन भटकती है जो आने जाने वाले को अपने वश में कर लेती है या उनके साथ ही चल देती है। वाह, कहानी तो बढ़िया है, लेकिन अफसोस ऐसी कहानियां बहुत सुनी है, तो अब ये सब मुझे बचकाने लगती है। तभी श्रुति उसे रोकते हुए कहती है, महेश, तुम्हारे पास जरा भी समझ नहीं है? ऐसे सुनसान जगहों पर इस तरह भूत प्रेत का मजाक नहीं उड़ाया करते। देख लिया ड्राइवर भैया, तुम्हारी वजह से अब मैडम से डांट पड़ रही है मुझे। तभी गाड़ी उस भूतिया मंदिर से गुजरने लगती है, और ठीक उसी वक्त ना जाने गाड़ी को क्या हो जाता है कि गाड़ी अपने आप धीमी होकर बंद पड़ जाती है। ओहो, ये क्या कर रहे हो यार? अगर ये सब तुम हमें डराने के लिए ऐसा कर रहे हो तो याद रखना, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। अरे क्या सरकार, आप भी डर के मारे मेरी खुद की जान हलक में अटकी पड़ी है, ऐसे में हम आपको डराने का सोच भी कैसे सकते हैं? ना जाने गाड़ी को यहीं आकर क्यों बंद होना था। वैसे तुमने बताया था ये कोई मंदिर है ना? वैसे किस भगवान की यहाँ पूजा होती है? बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये मंदिर काल भैरव का है। नए नवेले शादीशुदा लोग अपने दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन केवल दिन में। सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं जाता, इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट के लिए मना कर रहा था, लेकिन आप माने ही नहीं।
अरे वाह, अगर ये कोई मंदिर है और खासकर शादीशुदा जोड़ों के लिए, तब तो हमें जाना चाहिए। महेश तो पागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम इस वक्त आधी रात को मंदिर जाएंगे? अच्छा, तो मतलब तुम नहीं चाहती हो कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी रहे? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही, मगर मगर कुछ नहीं, तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। अरे मेरे मालिक, मत जाइए, वो डायन इसी के इंतजार में रहती है। महेश उस ड्राइवर की बातों को एकदम से नकार कर श्रुति के साथ कार से उतरता है और मंदिर की तरफ चला जाता है। उसकी नजर मंदिर के दरवाजे पर पड़ती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई 500 साल पुराना दरवाजा हो, क्योंकि उस पूरे दरवाजे में जंग लगा था। मंदिर तो बाहर से बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलिए मैडम अंदर चलकर देखते हैं। महेश, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, प्लीज मेरी बात समझो। श्रुति महेश को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन महेश नहीं रुकता और अंदर चला जाता है। लेकिन तभी श्रुति को याद आता है कि उसके बाबा ने उसे एक शक्तिशाली ताबीज दिया था, जो कि उसके बैग में है। महेश, याद है बाबा ने दुआ के तौर पर हमें ताबीज दिया था? मुझे लगता है हमें वो ले लेना चाहिए। ठीक है, तुम गाड़ी से उसे लेकर आओ, तब तक मैं अंदर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। इतना कहता हुआ महेश मंदिर के अंदर चला जाता है। श्रुति को उस वक्त एक अजीब सा साया अपने आसपास महसूस हो रहा था, इस वजह से वो धीमे धीमे डरते हुए वापस गाड़ी की तरफ लौटने लगती है। दूसरी तरफ महेश बिना किसी की परवाह किए मंदिर के अंदर दाखिल हो जाता है। वो पूजा घर की तरफ बढ़ता है। वो जैसे ही पूजा घर में दाखिल होता है, मंदिर की घंटियां अपने आप आपस में टकराना शुरू कर देती है, जैसे आरती में होता है। उस वक्त तो हवा भी नहीं चल रही थी, तो ये घंटियां आपस में कैसे टकरा रही है? तभी उसकी नजर मंदिर की मूर्तियों पर पड़ती है। अरे, ये मंदिर है या भूतिया घर? पूजा घर में ना तो कोई दीप जल रहा है और ना ही किसी भी भगवान की कोई मूर्ति है। महेश खुद से ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से श्रुति आवाज देती है। महेश, डालेंगे इधर आ जाओ। महेश तुरंत पीछे पलटता है। श्रुति अपनी बाहें फैलाए खड़ी थी। अरे मेरी जान, तुम आ गई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अब सिर्फ दूर से ही प्यार बरसाओगे या पास भी आओगे? अरे क्यों नहीं मेरी जान, अभी आता हूँ। महेश श्रुति से जाकर गले लगता है। श्रुति उससे कहती है, महेश क्या तुम भूल गए, आज हमारी सुहागरात है। अरे ये भी कोई भूलने की बात है भला? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे ज्यादा तुम में बेचैनी है सुहागरात मनाने की? बेचैनी क्यों नहीं होगी, क्या सुहागरात अकेले तुम्हारी है? ठीक है, फिर जल्दी से घर पहुंचते हैं और फिर हमारी स्पेशल नाइट को एंजॉय करते हैं। अरे बाबा, रात तो पहले ही बीत चुकी है, घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी, फिर क्या खाक की रह जाएगी सुहागरात? तो फिर यही इसी मंदिर में हम आज सुहागरात मनाएंगे। महेश श्रुति को अपनी बाहों में लेता है और उसके साथ हम बिस्तर होने लगता है। लेकिन तभी महेश की नजर ऊपर टंगे कांच के झालर पर पड़ती है, जिसे देखकर महेश को तेज झटका लगता है। उसे श्रुति के शरीर की जगह एक चुड़ैल की डरावनी शक्ल और भद्दा शरीर नजर आ रहा था, जबकि असलियत में वो श्रुति थी। महेश को समझ आता है कि वो अपनी सुहागरात श्रुति के साथ नहीं बल्कि किसी चुड़ैल के साथ मना रहा है। तू कौन है,
छोड़ मुझे, तू तो एक चुड़ैल है। महेश उस चुड़ैल से हटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहता है और धीरे धीरे उसे तेज दर्द भी होने लगता है। उसे ऐसा लगा था कि बहुत जल्द अब वो थक कर मर जाएगा। वो चुड़ैल जिसने श्रुति का रूप लेकर महेश को अपने जाल में फंसाया था, वो अब फिर से अपने असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। बहुत समय बाद मुझे कोई मर्द मिला है, अब मेरे हवस की प्यास बुझा कर रहूंगी। महेश दर्द से तड़पने लगता है। खुशकिस्मती से तभी वहां श्रुति पहुंच जाती है। महेश ये तुम क्या कर रहे हो? श्रुति महेश को उस चुड़ैल के साथ हम बिस्तर होता देख लेती है। वो तुरंत अपनी ताबीज को महेश की तरफ फेंकती है, जिससे वो चुड़ैल जलने लगती है और महेश को आजाद कर देती है। फिर महेश और श्रुति भागते हुए गाड़ी की तरफ आते हैं, जहां उनका ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है। शुरू में तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, पर दुआ करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो सब वहां से तेजी से निकल जाते हैं। जब वो इलाका खत्म होता है, तब महेश श्रुति को सब कुछ बताता है और फिर उनका ड्राइवर उनसे कहता है, साहब इसीलिए मैं आपको मना कर रहा था, आप लोग शहरी है, आपको यहाँ की सच्चाई नहीं मालूम, लेकिन यहाँ से गुजरने वाले और यहाँ रहने वाले ये बात जानते हैं कि यहाँ हवस की भूखी चुड़ैल रहती है, जो यहाँ मिलने वाले मर्दों को सुंदर कन्या और उनकी पत्नी के रूप में दिखती है और उनके साथ अपनी सुहागरात मनाती है और फिर उन्हें मार कर इसी मंदिर के छत पर लटका देती है। कहते हैं इस चुड़ैल की अपनी सुहागरात अधूरी रह गई थी, जिस वजह से ये आज भी अपनी सुहागरात पूरी करना चाहती है, लेकिन आज तक कर नहीं पाई, इसीलिए यहाँ से गुजरने वालों पर आज भी अपनी नजर गड़ाए रखती है। ठंड का महीना था और आज हरिया एकदम भोर में 3 बजे के करीब ही अपने हाथों में बाल्टी लेकर खेत पहुंच गया। हरिया रोजाना एकदम सवेरे जागकर अपने खेतों में जाता, सिंचाई करता, फसलों को अलग करता और पूरा दिन खेती करने में बिता देता। उसकी दिनचर्या कुछ इसी तरह की थी। दूर दूर तक का नजारा एकदम सन्नाटे में खोया था। हर तरफ अंधेरे ने अपना राज जमा रखा था। हरिया ने उस खेत में अपने लिए एक छोटा सा ताट का मकान बनवा रखा था, जिसमें वो अक्सर देर रात को भी रुक जाया करता था। उसने उस मकान के उस छोटे से बल्ब को जैसे ही जलाया, हरिया की नजर उससे 200 मीटर की दूरी पर खड़ी एक औरत पर पड़ी, जो खेत के बीचों बीच गहरा खड्डा खोद रही थी। एक औरत को इस तरह अपने खेत में गड्ढा खोदते देखकर हरिया को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में ये ख्याल भी आया कि आखिर इतने अंधेरे में कोई औरत इस हालत में खेतों में क्या कर रही है। गांव वाले इन सब बातों पर गहन चिंतन करने में माहिर होते हैं। हरिया एक पल में समझ गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। यही सोचकर हरिया उस औरत के एकदम करीब चला जाता है और उसे तिरछी निगाहों से घूरने लगता है, जिससे कम से कम उसे ये पता चल सके कि ये उसके गांव की ही कोई औरत है या कोई बहरूपिया है। लेकिन उस औरत ने बड़ा घूंघट कर रखा था, जिस वजह से हरिया उस औरत का चेहरा नहीं देख पा रहा था। हरिया उस औरत को आवाज देता है, अरे तुम कर क्या रही हो? इस तरह खेतों के बीच गड्ढा क्यों खोद रही हो?
क्या ऐसा करना एक औरत को शोभा देता है? उस औरत ने ना तो एक बार भी हरिया के सवाल का जवाब दिया और ना ही उसने अपना काम रोका, बल्कि अब तक उसने गड्ढा खोदने की रफ्तार को और तेज कर दिया। उस औरत के इस बर्ताव से हरिया को बहुत गुस्सा आया और वो उस औरत पर चिल्लाने लगा। औरत हो इसीलिए इज्जत रख रहा हूँ, वरना अब तक धक्के मारकर अपने इस खेत से बाहर निकाल देता। बंद करो इसे। हरिया के दोबारा दखल देने पर वो औरत गड्ढा खोदना बंद तो कर देती है, लेकिन फिर वो हरिया को एक टक से घूरने लगती है। अगले ही पल वो औरत हरिया को खेत से बाहर निकल जाने का इशारा करती है। देखो तो जरा इस औरत के तेवर, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। हे औरत, चल निकल जा मेरे खेत से बाहर। हरिया इतना कहता हुआ उस औरत के घूंघट को हटाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन तभी अचानक वो औरत एकदम से गायब हो गई। दो पल पहले हरिया जिस औरत पर चिल्ला रहा था, अगले ही पल उस औरत का बहती हवाओं में एकदम से गायब हो जाना किसी बहुत बड़े खतरे के तरफ इशारा कर रहा था। बाप रे, ये मैंने किससे पंगा ले लिया? ये तो कोई भूतनी थी। ना जाने मेरी बुद्धि भी कहां घास चरने गई थी कि मैंने इस औरत को टोक दिया। हरिया अपने कदमों को तेज करते हुए और जल्दी जल्दी भागने लगा। वो खेत से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसे अपने सामने ठीक वही औरत दिखती है जो हरिया को कुछ समय पहले दिखी थी। हरिया उसे देखकर अपने कदम पीछे ले लेता है। वो औरत धीरे धीरे हरिया के करीब बढ़ने लगती है। हरिया एकदम घबरा जाता है। तभी वो औरत अपना घूंघट उठाती है। उसका चेहरा देखकर हरिया के पसीने छूटने लगते हैं। लाल आंखें, आंखों से टपकता खून, डरावनी शक्ल और लटकती हुई जीभ। उस औरत का ये रूप देखकर हरिया फिसल कर जमीन पर गिर पड़ा। बाप रे, ये औरत तो डायन है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरी बीवी और बच्चे हैं। परिवार तो मेरा भी था, लेकिन याद है इसी खेत में आज से 5 साल पहले तुम गांव वालों ने मेरे परिवार को दफना दिया। आज जब मैं इस खेत में आजाद हुई तो सबसे पहले मैंने अपने बच्चों की कब्र को खोदना शुरू किया जिससे कि मैं उन्हें जिंदा कर सकूं। लेकिन तू बेरहम इंसान, मुझे तो वो भी ठीक से करने नहीं दे रहा है। अब तेरा मरना तय है। मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो। मैं गांव में किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम वापस आ गई हो। इतना कहकर हरिया खेतों से बाहर की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी वो डायन हरिया के पीठ पर झपटती है और उसे अपने साथ जमीन के अंदर खींचने लगती है, ठीक उसी तरह जैसे कोई जिंदा शख्स को जमीन में दफनाया जाता है। उस वक्त पूरे वातावरण में बस हरिया की चीखें सुनाई दे रही थी। कुछ देर में हरिया की चीखें भी शांत हो जाती है, लेकिन तब तक एक गांव वाला जो कि उसी खेत में खेती किया करता था, वो वहां जाता है और हरिया की चीखें सुन लेता है। वो फौरन गांव वालों को बुलाता है ताकि हरिया की मदद की जा सके, लेकिन जब तक गांव वाले पहुंचते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ गांव वाले खेत को देखकर थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन हरिया को उस खेत से बाहर निकालने के लिए वो लोग धीरे धीरे उस खेत के करीब जाने लगते हैं। वो सभी मन ही मन डरे हुए तो जरूर थे, लेकिन फिर भी वो सभी खेत की खुदाई शुरू करते हैं।
तभी खेत के भीतर से एक औरत की डरावनी आवाज आती है। भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ। इससे पहले कि गांव वाले कुछ सोच पाते या कर पाते, वो भयानक डायन उस खेत से निकलती है और खेत में दाखिल हुए सभी गांव वालों को एक झटके में पाताल में खींच लेती है। और सबकी भयानक चीखों के साथ ये किस्सा यहीं खत्म हो जाता है। आगे कई दिनों तक इस घटना का जिक्र गांव में बराबर होता रहा है। गांव वालों का कहना है कि उस घटना के बाद कभी भी गांव के उस खेत में खेती नहीं हो सकी, बल्कि पूरी जमीन बंजर बन गई। सालों पहले किसी औरत को अपने दो बच्चों के साथ उस खेत में बैठकर तंत्र साधना करते हुए देखा गया था, जो गांव के मासूम लोगों की बलि देती थी। इसी वजह से एक दिन मौका पाकर जब वो औरत अपनी साधना में व्यस्त थी, गांव वालों ने किसी तांत्रिक की मदद से उसके दोनों बच्चों को चुरा लिया और बड़े गुप्त तरीके से खेत में ही उन्हें जिंदा दफना दिया। इसके बाद गांव वालों ने उस औरत को भी बांध दिया और उसी खेत में दफना दिया। और 5 साल बाद उसी खेत से वही औरत डायन बनकर निकली और आज वो डायन उसी खेत में वास करती है। वो उस खेत में कैद हो चुकी है, जिस वजह से उस खेत से बाहर नहीं आ सकती। लेकिन इतिहास गवाह है, जो भी उस खेत के करीब गया है कभी वापस नहीं लौटा है।